Yeah. Good morning, students. Now, today we will be starting a new chapter, linear equations in one variable. When an algebraic expression with one variable is equated to another expression with one variable or to a constant. Algebraic expression सबको मालूम है. Algebraic expression को दूसरा algebraic expression having only one variable. एक ही वेरिएबल वाला उससे हम लोग इक्वेट करेंगे और उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है एंड देन ये जो इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं विथ वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एग्जांपल है 2x + 3 = 0 -4x - 7 = 5 So, 3x - 4 is 7 - 8x. These are different types of examples I have given, जो linear equation in one variable है. उसमें x और y नहीं, तो in English alphabets, A से लेके Z तक कोई भी letter इसमें variable की तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं. So now, we will solve a few equations. तो हम नीचे तो टू अबाउट फोर क्वेश्चंस हम ले रहे हैं इन द फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग टू क्वेश्चंस अब इसको देखें एवरी स्टेप इज शोन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली 12y - 7 = 5 इसमें करने का तरीका ये वेरिएबल क्या है जो जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है y तो y या टर्म कंटेनिंग दिस इज अ टर्म द टर्म कंटेनिंग वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख देंगे और बाकी जो नंबर है -7 को हम 5 के साथ राइट साइड में ले जाएंगे तो आई गेट व्हाट 12y = 5 ये -7 उधर जाएगा तो क्या होगा +7 तो 12y = 5 + 7 = 12 देयरफॉर y विल बी 12/12 = 1 सो ये वेरिएबल का वैल्यू हमको मिला 1 एंड देन वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन 5x + 21 = 84 - 4x इसमें क्या डिफरेंस है लेफ्ट साइड में भी एक एक्सप्रेशन है राइट साइड में भी एक एक्सप्रेशन है तो इन दोनों को इक्वेट किया दैट इज व्हाट हमने जो डेफिनेशन में शुरू में बताया था तो नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे तो वेरिएबल वाला टर्म्स को दोनों को लेफ्ट साइड में रखेंगे 5x ऑलरेडी लेफ्ट में है -4x राइट से लेफ्ट में ले आएंगे सो और बाकी जो नंबर्स केवल है 84 ऑन द राइट साइड वो बदलेगा नहीं एंड नाउ +21 राइट साइड में जाएगा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +-21 हो जाएगा देयरफॉर यहां पे 9x = 84 - 21 = 63 सो x = 63/9 = 7 एंड नाउ कम टू द एग्जाम्पल टू इसका सोल्यूशंस आगे पेज में करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस है इसमें जो इक्वेशंस है दिस आर रिड्यूसिबल माने लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा इसमें कुछ और भी वेरिएबल आता है एक्स स्क्वायर करके वो सब हट जाएगा कैंसिल हो जाएगा सो दीज आर द टू क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट पेज दैट इज ऑन पेज टू हम इन दोनों क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करके दिखाएंगे नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द पेज वन से कंटिन्यू कर रहे हैं नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पेज पेज वन के लास्ट में हमने बताया था सेकेंड एग्जाम्पल का दो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज इसमें थोड़ा सा फर्क है दीज आर ये दोनों जो है दीज आर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस तो पहले लीनियर इक्वेशन में नहीं होगा क्वाड्रेटिक होंगे कुछ होंगे तो उसको वो सिंप्लीफाई होके लीनियर इक्वेशन बन जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन 3x ((+5) - 6) = 3 × x² - 7 + 3x - 9 And now, when you simplify by removing the bracket, we get 3x² + 15x - 6 = 3x² - 21 That is 3 × -7 - 21 + 3x - 9
3x square दोनों जगह से कट गया. सो नाउ वी हैव गॉट ओनली 15x हियर एंड दैट 3x विल बी ब्रिंगिंग हियर. यह पहले बताया था वेरिएबल वाला टर्म को एक तरफ से ले आएंगे और ये नंबर कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड में ले जाएंगे. तो -6 गोज टू द अदर साइड एज +6 एंड ये दोनों मिलके -30. सो 12x इज इक्वल टू -24 हो गया और x इज -24 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू -2. नाउ द सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन इज द दिस वन, 2y² + 2y - 46 इज इक्वल टू 2 × 7 - 4y + y². नाउ दिस 2y² + 2y - 46 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 14 - 8y + 2y². अगेन ये 2y² लेफ्ट साइड और राइट साइड में से कट जाएगा एंड देन यू गेट 2y एंड वो जो वेरिएबल यहाँ पे y है, y वाला टर्म्स को एक साथ लेफ्ट साइड में करेंगे 2y + 8y दैट इज -8y कम्स हियर एज +8y एंड दिस 14 एंड ए -46 गोज टू द राइट साइड एज +46. सो 10y इज इक्वल टू 60 हो गया और y विल बी 60/10 दैट इज इक्वल टू 6. नाउ सम एप्लीकेशंस. अब एप्लीकेशन में क्या होता है, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स विल बी गिवन. कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो हम लोग जैसे बोलते हैं तो वैसे ही मैथमेटिकली वो कनेक्ट करके बोल देंगे एंड देन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपली टेक डाउन द क्वेश्चन और रीड इट एंड देन मेक द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट. फर्स्ट एग्जाम्पल, अनिल हैज सम मनी इन हिज बैंक अकाउंट. ही डिपॉजिटेड ₹1200 गिवन बाय हिज फादर एंड ₹2000 गिवन बाय हिज ग्रैंड फादर ऑन हिज बर्थडे. नाउ द अकाउंट बैलेंस इज ₹11500. Then find the original amount Anil had in his bank account. Suppose Anil का bank account में originally कितना था हमको नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे उसको x ले लेंगे. Now his bank account shows what? पहले इसके bank account में x था, अब इसके father ने 1200 दे दिया, वो भी इसमें जुड़ जाएगा. फिर इसके grandfather 2000 दे दिया, वो भी add up हो जाएगा. एंड देन अल्टीमेटली वो बैंक अकाउंट में देगा तो कितना बैलेंस था, 11500. माने एस के साथ ये दोनों अमाउंट मिला, उसके बाद वो बैंक अकाउंट ट्राई करके देगा तो 11500 है. तो दिस इज द इक्वेशन दैट वी कैन राइट. अब उसमें से एस की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दैट इज ये दोनों ऐड करके माइनस उधर चला जाएगा राइट साइड में, माइनस हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू 11500 -3200. So that is 8300. So Anil had 8300 in his bank account. This is the final solution of it. Now the second example, that is we are continuing from class page 2. That is the second example I am taking. I will read it once. Listen. The length of a rectangle is 2 meter more than its breadth. Its perimeter is 484 meter, so find the breadth of the rectangle. एक rectangle के बारे में सबको मालूम है. I know the length of the rectangle is 2 meter more than its breadth. यहाँ पे जो बाद में किसके बारे में बोल रहे हैं, breadth के बारे में. जो बाद में जो बताया जाएगा breadth, उसको हम x मानेंगे. Let the breadth be x meter. Meter is the unit. So length क्या हो जाएगा, length के बारे में वो बोल रहे हैं, length of a rectangle is 2 meter more than its breadth. So the length will be 2 plus x or x plus 2. तो 2 meter ज्यादा है breadth से, तो length is equal to x plus 2. Now perimeter, वो perimeter के बारे में इसमें हम लोगों को बताया 484 meter है. तो हमको यहां पे क्या देखना होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है.
What is the formula for perimeter in a rectangle? 2 into L plus B, that is 2 times length plus breadth, that is equal to the perimeter. अब 2 times length की जगह क्या लिखेंगे? X plus 2 और breadth की जगह पे X. तो now 2 into S plus 2 plus X is equal to 484. Now इसको simplify करेंगे, 2 into X plus X 2X हो जाएगा plus 2. So 2 into 2X plus 2 is equal to 484. अब इसमें bracket simplify करेंगे, ये हो जाएगा 2 से multiply करेंगे तो 4X plus 2 2 सा 4. 4X plus 4 is 484. और 4x is equal to 484 minus 4, that is equal to 480, और x is equal to 480 divided by 4, that is equal to 120. What is this x? X हम लोगों ने यहां पे breadth माना गया, breadth माना, अब वो breadth जो हम लोगों से मांग रहे हैं. So therefore in the end, हम लोगों को बताना होगा, breadth of the rectangle is 120 meter. That is the answer for it. Now, this different types of questions we have done here. Ab hum homework de rahe hain aapko. First one is symbol equations. That is symbol equation kahte hain, linear equations kahte hain isko. Isme humne different variables istemal kiya. P istemal kiya, Z istemal kiya. x square आएगा लेकिन वो कट जाएगा, तो नाउ वो रिड्यूस हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में इस तरीका से. फिर एक दूसरा क्वेश्चन दिया एज के बारे में है, ए इज 12 इयर्स ओल्डर देन बी, किसका एज x मानेंगे? बी का एज x मानेंगे, तब ए का एज आप कनेक्ट करना है, जैसे हमने ये रेक्टेंगल वाला किया उसी तरीका से करना है. देन द थर्ड क्वेश्चन है द रेक्टेंगल के बारे में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ईजिली डू, हमने ऑलरेडी किया है. इसमें भी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, सो उसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब जो है आ रहा है द पैरेललोग्राम के बारे में, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड माने क्या है? अगल बगल में जो साइड्स है, तो दैट टू साइड्स यू हैव टू टेक, वो जो दिया है. पैरेललोग्राम के बारे में सबको मालूम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो देयरफॉर उसे डायग्राम ड्रॉ करिए. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस पैरेललोग्राम क्वेश्चन. इज इजी, इफ यू ऑल नो पैरेललोग्राम यू कैन ईजिली डू दिस. इसमें देन द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम माने ऑल द फोर साइड्स को एड अप करेंगे, देन वी विल गेट दिस 502 सेंटीमीटर. वो इस अलजेब्रिक में आ जाएगा इक्वेशन. एंड देन अंत में यू हैव टू फाइंड the adjacent sides. ये adjacent sides दिया था, वो find out करने के लिए क्या करना होगा? Y पहले find out करेंगे. Y find out करने के बाद then you come to this adjacent. Therefore adjacent sides are, इसमें Y की value replace करके ये दोनों side आपको मिल जाएगा. That is all for